उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत झांसी का कपड़ा और मुख्यतः रानीपुर के टेरिकॉट को उसमें ऐड तो कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जो बुनकरों को अभी भी सामना करना पड़ रहा है, जिनका समाधान मिला नहीं है। हम बात करने आए हैं डिस्ट्रिक्ट वीवर एसोसिएशन के लोगों से, जो कि आज़ाद भारत की पहला रजिस्टर्ड यूनियन था। 1 दिसंबर 1947 को रजिस्टर हुआ। हम बात करेंगे, भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल आर्य है। क्या समस्या है पहली बताइए? पहली समस्या है सर कि हमारे यहाँ क्रय विक्रय केंद्र नहीं है। दूसरी समस्या, हमारे डिस्ट्रिक्ट वीवर्स का रजिस्ट्रेशन जब देश आज़ाद हुआ 1947 को, उत्तर प्रदेश में दो ही संस्थाएं हैं, एक है अलीगढ़ में, एक है मऊ रानीपुर में। और हमारे यहाँ बुनकरों की मेन समस्या है, यहाँ क्रय विक्रय केंद्र नहीं है। क्रय विक्रय केंद्र जहाँ से व्यापार हो सके, जो इसे बनाए वो ये कोई खरीद सके, और जो कच्चा माल कोई यहाँ ला के बेच सके जिससे ये खरीद सके, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की जो बहुत कॉस्टिंग आती है वो एक हद तक कम हो सके, तो ताकि कहीं ना कहीं लागत में गिरावट आएगी और प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा इजाफा होगा, जिससे इनका एक आय घर परिवार बेहतर स्थिति में आएगा। इसके साथ आप बताइए, कह रहे थे बिजली की क्या स्थिति है? यहाँ बिजली की जो है फिक्सेशन वाला मामला था, वो अभी उसका कोई ठिकाना नहीं पड़ रहा है। बिल जो है फिक्स में, कब से मामला पेंडिंग है ये वाला? 2019 से। पहले क्या फिक्स रेट हुआ करते थे? 37 रुपये ग्रामीण क्षेत्र में, 72 रुपये शहरी क्षेत्र में। 37 महीना? हाँ, पर पावर लूम। अच्छा, पर पावर लूम। आज क्या रेट है? अभी कोई उसका वो बिजली का बिल कनेक्शन के हिसाब से लेना है, मतलब मीटर रीडिंग के हिसाब से 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से मांग कर रहे हैं। यानी पहले फिक्स था कि 37 रुपये ही लेंगे अगर एक लूम लगाया तो, लेकिन अब वो यूनिट पे चलता है कितना चलेगा, तो इससे भी ये भी समस्या है कि यहाँ पे फिर लागत का मामला आ जाता है कि बुनकरों का बिल बकाया इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि पहले फिक्स चार्ज था कि एक लूम आप चलाते हैं तो महीने के, अगर गांव में है तो 37 रुपये, शहर में है तो 72 रुपये देने होंगे, लेकिन अब समस्या आ रही है कि यूनिट कैसे बिल देना पड़ रहा है, और यहां पर 7.5 रुपये यूनिट बिजली है। एक मामला में आपने और बताया था, आप कह रहे थे कि यहां पर प्रोसेसिंग प्लांट की समस्या है। जी जी, क्या है प्रोसेसिंग प्लांट में, क्या मांग है? यहां हम लोगों का प्रोसेसिंग प्लांट में कोई बड़ा सा क्लस्टर प्लांट लग जाए जो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम लोगों के यहां जो रंगाई का कार्यक्रम है, धागे को सही दिशा से प्रोसेसिंग फिनिशिंग हो जाए। कॉटन का काम यहाँ होता नहीं है, क्योंकि रंगाई धुलाई भी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम लोग ज़रा पीछे चले गए। बुनकर को कहीं नहीं जाना पड़ेगा इसके लिए। तो मतलब प्रोसेसिंग प्लांट, मार्केट और बिजली, ये वो तीन चीज़ें जो अगर आती हैं कहीं ना कहीं, और इसके साथ ही लागत, ताकि लागत कम आ जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए, जिससे उनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर। और हम जहाँ बैठे हैं इसे बुनकरों की गढ़ी कहा जाता है, लेकिन इस पर अब इन लोगों का कहना है कि अवैध कब्जे हो गए। कैसे कब्जा हो गया, क्या हुआ भाई? ये डिस्ट्रिक्ट वीवर्स बुनकरों की गढ़ी है, इस पर पूर्व में 1947 का इसका रजिस्ट्रेशन है, मगर यहाँ कुछ लोगों ने इस ज़मीन पर अवैध कब्जे कर रखे हैं, मकान बना लिए हैं जो कि अब खाली करने को तैयार नहीं है, अवैध मंदिर बना दिए हैं कुछ, और इस तरफ जो गढ़ी के दक्षिण की तरफ जगह है वहाँ कुछ लोग दुकानें काटने के लिए गाय भैंस बांधे हुए हैं। मतलब वो बताते हैं कि गढ़ी बुनकरों की नहीं है, ये हमारी है। मिलजुल के यहाँ के लोगों ने 15-16 मकान बना रखे हैं। मतलब दरअसल आपको बताएं कि ये बुनकरों की जो गढ़ी है, जो कम से कम 100 साल पुरानी लग रही है, ये यहाँ काम होना था बुनकरों के लिए, यहाँ काम होना था हथकरघा चलाने वालों के, लेकिन अब यहाँ अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। ये बुनियादी समस्याएँ हैं रानीपुर के बुनकरों की। नितिन लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।